तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक हिडन ट्रिक, या बोल सकते हैं हिडन फीचर बताने वाला हूँ। ये जो फीचर है, या बोल सकते हैं ये जो हिडन फीचर है, मे भी बहुत कम लोगों को ही पता होगा। दोस्तों ये जो फीचर है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में मैंने क्या लिखा हुआ है और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू मेक, या बोल सकते हैं हाउ टू टेक लाइव फोटोज ऑन सैमसंग लाइक आईफोन। जैसा कि आप आईफोन में लाइव फोटोज लेते हैं, आपको पता होगा लाइव फोटोज में कैसा काम करता है। सेम ऐसी ही लाइव फोटो आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में कैसे ले सकते हैं, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि उन्होंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में लाइव फोटोज को क्लिक कर पाएंगे अपने सैमसंग गैलेक्सी में, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, आप देखेंगे ये फोटो है, जब मैं इसको अगर क्लिक करके देखूंगा तो ये पूरी वीडियो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो इस तरीके से आप कैसे बना सकते हैं दोस्तों, सैमसंग में इसको बोल सकते हैं मोशन वीडियोस, या बोल सकते हैं मोशन फोटोज बोलते हैं। जब मैंने यहाँ कैमरे को ऑन कर लिया है, कैमरे को ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा जैसे कि हाईलाइटेड है, तो यहाँ पर उसको मोशन फोटोज बोला जाता है। तो आपको इसको ऑन कर लेना है, ये आपको मिलेगा राइट हैंड टाइट पर टॉप पे मिलेगा इफेक्ट्स के बगल में, आप देख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आपको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर येलो हाईलाइट्स में हो जाएगा। अब ये वर्क कैसा करता है वो भी बता दूँ। जैसे कि मान लो मुझे एक फ़ोटो खींचनी है, तो मैंने अपनी वॉच को यहाँ पर, ये मैंने अपनी वॉच को ऑन कर लिया और मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करी, आप देख रहे होंगे। अब वॉच को मैं एक बार दोबारा करता हूँ उसको अप डाउन करते हुए, तो ये मेरी वॉच यहाँ पर हिलती हुई वॉच है और मैंने यहाँ पर इसकी एक फ़ोटो को यहाँ पर क्लिक कर लिया है। तो ये फ़ोटो क्लिक हो गई है, नॉर्मल फोटो होनी चाहिए बट ये लाइव फोटो होगी। कैसे दिखेगी आपको, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने का थोड़ा सा टाइम लेगी, आप देख रहे होंगे ये अभी परफेक्ट दिख रही है। अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में ये फोटो लाइव फोटो कैसी है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू मोशन फोटोज करके आपको ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही उस पर व्यू मोशन पर करेंगे तो वो आपको पूरी वीडियो की तरह आपको दिखेगी। आप देख सकते हैं ये पूरी आपको वीडियो की तरह दिख रही है। एक ऐसी बनाई थी, अगर दूसरी वीडियो देखें अपन, या बोल सकते हैं दूसरी मोशन फोटोज देखें, तो दूसरी भी आपको यहाँ पर हिलती हुई मिल रही होगी। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है। और अगर मान लो आपको किसी वीडियो को या किसी को, किसी लाइव फोटो को आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर डॉट्स पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो और GIF। अगर आप GIF बनाना चाहते हैं तो आपको GIF में क्लिक कर देना है और वो GIF बनके आपको तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं GIF आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वीडियो में करना है तो यहाँ पर डॉट्स पर क्लिक करिए, फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए और सिंपल यहाँ पर वीडियो में करेंगे तो वो वीडियो में आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है, जो कि बहुत शानदार है। अगर आप लाइव फोटोज में शौक रखते हैं तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। मुझे तो ये फीचर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आईफोन में भी लाइव फोटोज़ को ऑन करा हुआ है, तो वो बहुत काम का है यार। कभी कभार ऐसी मोमेंट्स होती है जिसको हम बाद में वीडियो के रूप में आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक भी कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मुझे कई नए टिप या बोल सकते हैं नए कुछ फीचर्स बताने वाले हैं, जो कि आपको लगता है कि मुझे, मैंने जिस पर वीडियो नहीं बनाई है और मैं आगे बना सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और उस वीडियो में मैं आपका नाम भी मेंशन करूंगा कि किसने मुझे ये इस फीचर के बारे में बताया। तो थैंक यू।